उसके अंदर जो छः फ्रीडम्स दी गई हैं उनको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे बट फॉर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू एनालाइज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है कंटेंड अंडर आर्टिकल नाइनटीन सब क्लॉज वन सब क्लॉज ए के अंदर अब सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल लिबर्टीज़ की पर्सनल लिबर्टी किसी भी तरह की फंडामेंटल राइट right को इंश्योर करने के लिए सबसे बेसिक फीचर होता है और ये जो एक चैप्टर है राइट ऑफ फ्रीडम का या राइट टू फ्रीडम का ये बेसिकली ये चैप्टर कंटेन करता है पर्सनल या पर्सनल लिबर्टीज़ के ऊपर ये पूरी तरीके से बात करता है अब हम पर्सनल लिबर्टीज़ की अगर बात कर रहे हैं तो उसे हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19 से यानी कि आपकी अपनी खुद की क्या लिबर्टीज़ हैं जो आपको इंश्योर की हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने अब हम उनके बारे में बात करेंगे उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिस राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमें जो ये कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं कुछ फ्रीडम्स प्रोवाइड की गई हैं ये किसी भी तरीके से एब्सोल्यूट नेचर की नहीं है क्योंकि वेरियस ज्यूरस जजेस के ओपिनियन में ये कहा गया है कि आदमी यानी कि मैन बीइंग अ सोशल ह्यूमन बीइंग अ सोशल एनिमल उसके बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं फुलफ़िल करने के लिए पर इन डिज़ायर्स को हमें कहीं ना कहीं हमें का मतलब स्टेट को कहीं ना कहीं रेगुलेट या कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि आप किसी के डिज़ायर्स को फुलफ़िल उस बेसिस पे उस कीमत पे नहीं कर सकते जहां पर दूसरे किसी पर्सन के भी राइट्स इनफ्रिंज हो रहे हों या दूसरे किसी पर्सन के भी इंटरेस्ट को हम डिप्राइव कर रहे हों तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाए ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट इन पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स या फ्रीडम्स के ऊपर तो उसी के बेसिस पे इसी बैकड्रॉप में हम आज के लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज़ द टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर दिस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन विच हैज़ बिन इम्पोज ओवर दिस फ्रीडम इज रीजनेबल इन नेचर और इट इज इट इज़ आर्बिट्रेरी इन नेचर तो हम इसके साथ साथ टेस्ट भी डिसाइड करेंगे टेस्ट डिसाइड करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच और स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट भी देखेंगे और वहां पर ही हम हाँ अपना लेक्चर आज के लिए कंक्लूड करेंगे बिकॉज अपकमिंग लेक्चर्स में हम फ्रीडम ऑफ प्रेस और बाकी अदर फ्रीडम्स को जो लेफ्ट होंगी आज के लेक्चर से उन सबको एनालाइज करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्ट्री बैकड्रॉप मैंने आपको सबसे पहला स्टेटमेंट यही पोस्ट किया कि किसी भी तरह की पर्सनल लिबर्टी इज द फंडामेंटल और द बेसिक फीचर टू इंश्योर फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल इसीलिए ये जो चैप्टर है ये जो पर्टिकुलर चार आर्टिकल्स हैं आर्टिकल नाइनटीन से आर्टिकल ट्वेंटी टू ये एक चैप्टर फॉर्म करते हैं ऑन पर्सनल लिबर्टीज सो ऑलवेज रिमेम्बर दिस पॉइंट कि पर्सनल लिबर्टी पे कौन चार आर्टिकल्स आएंगे आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक अब हम आर्टिकल 19 से स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19 यहाँ पर हमें किसी भी सिटीजन को छह तरह की फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है अब वो छह तरह की फ्रीडम्स याद रखना इज अ वेरी ह्यूमंगस टास्क सबसे इम्पॉर्टेंटली तो इसके लिए मैंने एक की वर्ड फॉर्म किया है जो की है सी फोम रेपोटा एस ई ए एफ ओ ए एम आर ई पी ओ टी ए दिस इज अ अवर्ड जिससे आप ये याद रख सकते हैं कि वो फ्रीडम्स आर्टिकल 19 के अंदर क्या है अब सी फोम रेपोटा को हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कवर हो जाता है एस ई -E के अंदर ए का मतलब है यहाँ पर टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ असेंबली हमें किसी भी तरह की असेंबली गैदर करने के लिए फ्रीडम प्रोवाइड हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म में एफ ओ और ए से यहाँ पर मतलब है टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन यानी कि हमें किसी भी तरह की एसोसिएशन ग्रुपिंग बनाने की भी एक पर्टिकुलर फ्रीडम प्रोवाइड की गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के द्वारा इसके बाद हम बात करते हैं एम फॉर्म के अंदर जो एम वर्ड बच गया है उस एम का मतलब है वी हैव ऑल द फ्रीडम टू मूव विद इन दी ऑफ इंडिया अब इसके अलावा हमारे पास बचा जो दूसरा कीवर्ड वो है रेपोटा अब रेपोटा में सबसे पहले आर ई e. को हम डिस्कस करेंगे आर ई e. का मतलब है टू रिसाइड इन एनी पार्ट रिसाइड या सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री दिस इज अनादर फ्रीडम विच हैज बीन गारंटीड अंडर आर्टिकल नाइनटीन टा यानी कि वी हैव ऑल द फ्रीडम टू प्रोफेस एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन पीओ टी एनी काइंड ऑफ ऑक्युपेशन वी कैन कंडक्ट एनी काइंड ऑफ ट्रेड एंड वी कैन फॉर्म एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन सो दीज आर दिक्कस फ्रीडम्स जिसको आपको एक की वर्ड के रूप में हमेशा याद रखना है तो कीवर्ड इज सी फॉर्म रिपोर्टा सी फॉर्म रिपोर्टा को आप याद रखेंगे तो आपको ये छह फ्रीडम्स बहुत ही इजीली याद रहेंगे इसके बाद हम बात करते हैं कि जो छह फ्रीडम्स दी गई हैं ये किसी भी तरीके से एब्सोल्यूट नेचर की नहीं है ये एब्सोल्यूट नेचर की क्यों नहीं है मैंने आपको बताया कई सारे ज्यूरिस्ट ने जजेस ने इनके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं जैसे विल्स ने कहा है कि अगर हम किसी भी पर्सन को एक लिबर्टी प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी सोशल कंट्रोल किसी भी तरह का सोशल कंट्रोल अगर उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है तो हमारा जो पूरा फंडामेंटल राइट right या डेमोक्रेसी का जो ऑब्जेक्टिव है पूरी तरह से डिफीट हो जाता है दूसरा जस्टिस पतंजलि ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर मैन एक रैशनल बीइंग है एक सोशल बींग है सोशल एनिमल है तो इसलिए उसके कई सारे डिजायर्स होते हैं आपका दिमाग हर टाइम चल रहा होता है आप चाहते हो इस टाइम पे ये अचीव कर लो उस टाइम पे वो अचीव कर लो सो अकॉर्डिंगली सो मेनी ऑफ डिजायर्स टू फुलफिल अगर आपके डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं लगाया गया देन इन दैट केस ऑल्सो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि स्टेट किसी तरह का कंट्रोल मैकेनिज्म किसी तरह का रेगुलेटरी मैकेजम अप्लाई करे या किसी तरह के रेस्ट्रिक्टिव मैकेजम्स अप्लाई करे सो so दैट हम एनिमल से डिस्टिंक्ट रहें हमेशा और एक रैशनल बींग की तरह काम करें विदाउट डिप्राइविंग एनीबडी एल्स और एल्स फ्रॉम देयर इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए यानी जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है यहां पर कि आप अपने लिबर्टीज अपने इंटरेस्ट अपने राइट्स को फुलफिल करने के लिए किसी और के राइट्स किसी और के इंटरेस्ट को डिफीट नहीं कर सकते हो एंड ओनली देन यू कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर द फंडामेंटल राइट्स सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नोटेबल पॉइंट तो ये कंट्रोल ये रेगुलेटरी मैकेजम या रेस्ट्रिक्टिव मैकेजम क्या होगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कोर्ट्स ने या सॉरी uh, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक टर्म प्रोवाइड किया है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस टू प्रोवाइड कि ये जितने भी राइट्स या जितने भी फ्रीडम्स आपको हम इस चैप्टर के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं दे आर दे आर डेफिनेटली नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर मतलब ये किसी भी हालत में किसी भी सूरत में एब्सोल्यूट नहीं होंगे इन पे रेस्ट्रिक्टिव कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे अब ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमेशा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लगाए जाएंगे और आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि आर्टिकल 19 क्लॉस 2 से लेकर आर्टिकल 19 क्लॉस 6 तक सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं देर आर सर्ट ग्राउंड विच प्रोवाइडेड कई सारे ग्राउंड्स हैं जो आपके अलग अलग फ्रीडम के ऊपर अलग अलग ग्राउंड्स पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करते हैं सो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस दूसरी चीज जो ये टेस्ट क्या है इस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को डिफाइन करने का टेस्ट क्या है तो इसके टेस्ट के लिए सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ये हमेशा लॉ के थ्रू अप्लाई किया जाएगा ना कि किसी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू तो हमेशा याद रखिए जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके फ्रीडम्स के ऊपर अगर वो किसी डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स के थ्रू या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू आपके ऊपर डाले जा रहे हैं तो दे दे डू नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ बींग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एंड अकॉर्डिंगली दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल फिर इसके अलावा ये जो रेस्ट्रिक्शन है इनको रीजनेबल टर्म के साथ प्रिफिक्स किया गया अब रीजनेबल टर्म से हम क्या समझते हैं यानी कि ये जो रीजनेबल टर्म है इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है तो यहां पर कोर्ट्स का काम थोड़ा बढ़ जाता है और अब कोर्ट्स को डिसाइड करना है कि कौन से रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल हैं और कौन से रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं है एंड अकॉर्डिंगली अगर कि कोर्ट्स के ओपिनियन में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं होता है तो वो रेस्ट्रिक्शन कंप्लीटली इनवैलिड कहलाएगा या इलीगल कहलाएगा या फॉर इंस्टेंस वॉइड कहलाएगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ़ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू रिमेम्बर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल नाइनटीन इज दैट के जो राइट है राइट टू तो फ्रीडम ये प्रोवाइड किया गया है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को सिटीजन से यहाँ पर मतलब है किसी भी तरह के एलियन को ये राइट प्रोवाइड नहीं एलियन से आप क्या समझते हैं एनी पर्सन हु कम्स फ्रॉम अ फॉरेन नेशन स्टेट अगर जो कोई पर्सन किसी और स्टेट किसी और नेशन किसी और कंट्री से आ रहा है नेशन स्टेट इज अ टर्म विच इज बींग यूज अंडर इंटरनेशनल लॉ फॉर अ कंट्री तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज एंड डू नॉट पुट अ क्वेरी कि मैम वाई हैव यू यूज दिस वर्ड नेशन स्टेट द स्टेट नेशन स्टेट का मतलब है यहाँ पर कंट्री तो अगर किसी और कंट्री से भी कोई मेम इंडिया के अंदर आ रहा है और उसका फॉर द रेमेडी ऑफ इट इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि दिस पर्टिकुलर राइट दिस पर्टिकुलर फ्रीडम हैज बिन प्रोवाइडेड ओनली टू दिटीजन एंड नॉट टू द एलियंस और दॉरेनर्स दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग दिटिजन के जो सिटीजन होंगे इस सिटीजन का स्कोप क्या है आखिर क्या इसमें नेचुरल और लीगल पर्सन दोनों इंक्लूडेड है तो आंसर इज नो यहां पर सिर्फ नेचुरल नैचुरल इंक्लूडेड और लीगल पर्सन यानी कि कॉरपोरेशन या कंपनीज बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है यानी अगर उनका ये फ्रीडम इनफ्रिंज होता है दे केन नॉट गो एंड गेट अ रेमेडी ऑफ इट दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है इसके रिगार्डिंग कि ऑलदो किसी कॉर्पोरेशन या कंपनी को ये फ्रीडम या राइट right अवेलेबल नहीं है बट प्लीज नोट दिस पर्टिकुलर पॉइंट और हाईलाइट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि किसी भी कॉरपोरेशन किसी भी कंपनी के जो मेंबर्स होंगे जो स्टाफ होगा ऑल्डो उनके कॉरपोरेशन को ये राइट right अवेलेबल नहीं है बट एज एन इंडिविजुअल एज अ सिटीजन अगर उन नेचुरल पर्सन जो उस पर्टिकुलर कंपनी या कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं अगर उनके एफर्ट्स या फंडामेंटल राइट्स या ये फ्रीडम्स इन्फ्लूज होते हैं तो दे कैन डेफिनेटली गो एंड गेट अ रेमेडी एंड दिस इज अ वेरी वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ बाय द वेरियस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इन द वेरियस लैंडमार्क जजमेंट एज एन बैंक नेशनलाइजेशन के अंदर ये चीज बोली गई है न्यूज पेपर्स केस के अंदर ये चीज बोली गई है तो प्लीज ऑलवेज नोट दिस पॉइंट ऑलवेज मार्क दिस पॉइंट कि सिटीजन के अंदर सिर्फ नेचुरल पर्सन इंक्लूडेड हैं, लीगल पर्सन इंक्लूडेड नहीं है आर्टिकल 19 सब क्लॉज वन सब क्लॉज ए की तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री तो का या किसी भी डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है और कहीं ना कहीं हर सिटीजन को ये राइट अवेलेबल होना चाहिए टू बी इन्फॉर्म्ड ऑल्सो यानी कि जब हम इस राइट right को आगे एनालाइज करेंगे इस फ्रीडम को एनालाइज करेंगे आपको पता चलेगा कि राइट पीपल्स राइट टू नो अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग इज ऑल्सो एम्प्लिस अंडर दिस पर्टिकुलर फ्रीडम So, what does article nineteen sub clause one sub clause a provides that all the citizens have shall have this right of or this freedom of speech and expression but अगेन वॉट हैव आई सेड अर्लियर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन अब वो लिमिटेशन कहाँ प्रोवाइड की गई है अंडर आर्टिकल नाइनटीन सब क्लॉस टू के अंदर अब वो ग्राउंड क्या हैं जिन ग्राउंड पे ये पर्टिकुलर फ्रीडम की ये पर्टिकुलर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिमिट किया जा सकता है तो उसके लिए अगेन आई हैव मेड अ कोड वर्ड नोन एज सेफ पो मोड कोड इन

एफ इज फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट अगर ये दोनों uh, clauses, ये दोनों टर्म्स uh, जैसे कि किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन अगर होते हैं हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से तो डेफिनेटली उन उस पर्टिकुलर फ्रीडम को वहां लिमिट किया जा सकता है आप वो फ्रीडम के लिए रेमेडी नहीं एंश्योर कर सकते हो दूसरी चीज जो पहला हमने क्लॉज बताया सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट अगर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से कोई ऐसी आपके स्टेट की आपकी कंट्री की सिक्योरिटी स्टेक पे आ जाती है देन ऑल्सो योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड और विल Will be limited. दूसरा जो की वर्ड हमने आपको बताया पीओ uh, से अंदर पीओ एंड वट इज दिस पीओ अगर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से पब्लिक ऑर्डर को किसी भी तरह का हार्म पहुंचता है देन ऑल्सो योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शेल बी लिमिटेड और विल बी रेस्ट्रेन्ड से हमने जो दूसरा की वर्ड आपको बताया था दट इज मोड एंड वॉट इज दिस मोड मोड इज मोरलिटी एंड डिस एम ओ इज मोरलिटी डी इज डी डी अगर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन uh, uh, से या आप इसको एम्प्लाय करने से अगर किसी भी तरह की मोरालिटी किसी भी तरह की डिसेंसी को अवॉइड कर रहे हो आप अपने इस फ्रीडम को चल लगाते हुए देन इन दैट केस ऑल्सो आपका ये फ्रीडम लिमिट किया जा सकता है नेक्स्ट इज कोड कोड इज वॉट अगर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से आपके एक्सप्रेशन से आपके स्पीच से किसी भी तरह का कंटेम ऑफ कोर्ट होता है एंड वॉट इज कंटेम ऑफ कोर्ट इंसल्टिंग द कोर्ट जनरली इन जनरल मीनिंग वॉट डू मीन बाई कंटेम ऑफ कोर्ट दैट यू आर इंसल्टिंग अ कोर्ट राइट तो अगर आपके इस स्पीच और एक्सप्रेशन से कंटेम ऑफ कोर्ट होता है तो भी आपका ये फ्रीडम लिमिट किया जा सकता है कोर्ट के बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट इनको दैट इज आई एन सी ओ आई एन सी ओ से आप क्या समझ रहे हो इंसाइटमेंट टू एनी ऑफेंस यानी कि अगर किसी भी आपके स्पीच और एक्सप्रेशन से किसी भी तरह के ऑफेंस के लिए इंसाइटमेंट मिल रही है देन ऑल्सो योर दिस फ्रीडम ऑफ योर विल बी लिमिटेड और रेस्ट्रेन इसके बाद है इन सो दट इज आई एन एस ओ वॉट इज दैट इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया अगर आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन के यूज से इंटेग्रिटी इंडिया की इंटेग्रिटी या सोवरेनिटी पे किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क लगता है देन इन दैट केस आपका ये फ्रीडम एप्सल्यूट uh, नहीं होगा वहां पर आपके ये फ्रीडम को रेस्ट्रेन किया जाएगा लिमिट किया जाएगा सो दीज आर ऑल द ग्राउंड विच अगर आप ये कीवर्ड्स को याद रखें सेफो मोड कोड इनको इस, इनसो then you can easily remember these grounds on which this freedom of speech and expression can be limited now we will talk about what is the meaning and the scope of this speech and expression to meaning se yahan par hamara matlab ye hai ki ye jo speech and expression ka freedom hai ये जो freedom हमें provide किया गया है Article 19 के अंदर इसका मतलब ये है कि आप अपने convictions, आप अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट कर सकते हैं यू हैव ऑल द फ्रीडम टू प्रेजेंट योर ओपिनियंस योर थॉट्स अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग अब ये जो uh, हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपना एक्सप्रेशन करेंगे अपने ओपिनियंस का अपने थॉट्स का वो कैसे कर सकते हैं या तो अपने वर्ड्स ऑफ माउथ से कर सकते हैं या राइटिंग से कर सकते हैं किसी भी तरह की प्रिंटिंग से कर सकते हैं किसी भी तरह के पिक्चर्स से, से कर सकते हैं या और किसी अवेलेबल मोड से कर सकते हैं जैसे कि आपका एक्सप्रेशन पॉसिबल हो इसके अलावा जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं आइडियाज के या ओपिनियंस के वो किन दो तरीकों से होते हैं पहला तो वो कम्युनिकेबल मीडियम होना चाहिए और दूसरा उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अब विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है इससे यहाँ पर मतलब हो जाता है पब्लिकेशन से यानी अगर आप इसको केयरफुली एनालाइज करिए इस टर्म को तो आपको पता चलेगा कि एक्सप्रेशन का मतलब एक्सप्रेशन से पब्लिकेशन भी रिलेट करता है और पब्लिकेशन से जहां पर वर्ड पब्लिकेशन आ जाएगा वहां से आप ये इम्प्लाई कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रीडम अब फ्रीडम ऑफ प्रेस से आपका मतलब क्या हुआ फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर अगेन दो फ्रीडम्स इंक्लूडेड हैं। पहला तो प्रिंटिंग का और दूसरा सर्कुलेटिंग का यानी अगर आपने सिर्फ प्रेस को ये राइट दिया है कि आप प्रिंट कर सकते हो पर सर्कुलेट नहीं कर सकते हो तो तो तब तो, तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है इस पर्टिकुलर फ्रीडम को देने का पर अगर आपने फ्रीडम प्रेस को ये फ्रीडम दिया है कि आप प्रिंट भी कर सकते हो साथ ही साथ सर्कुलेट भी करोगे ओनली देन द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाएगा अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल अब हम बात करते हैं वॉट आर द फोर परपजेस ऑफ दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो सबसे पहला जब आप अपने वर्ड्स को अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हो तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक सेल्फ फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है यू फील दैट नाउ यू यू हैव ऑल द केपेबिलिटीज टू थिंक ओवर अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड नाउ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्सप्रेस इट टू एनी बडी एल्स इसके अलावा जब आप अपने ओपिनियंस को अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो तो उससे कई सारे जो सच होते हैं जो हिडन ट्रुथ्स होते हैं एज इन आप उसकी भी डिस्कवरी कर सकते हो जितना आप सोचोगे जितना ज्यादा आप डिस्कस करोगे उतना ही ज्यादा आप किसी भी चीज के रिगार्डिंग एक्चुअल ट्रूथ के रिगार्ड के नजदीक पहुंचोगे इसके इसके अलावा आप एक एज एन इंडिविजुअल आपकी कैपेसिटी स्ट्रेंदन होती है जब आप एक्सप्रेस करना सीख जाते हो जब अपने वर्ड्स अपने ओपिनियंस अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो तो कहीं ना कहीं एज एन इंडिविजुअल यू मेक अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी इन योर सेल्फ एंड लास्टली ये जो आपका स्पीच और स्पीच और एक्सप्रेशन का फ्रीडम है ये कहीं ना कहीं पब्लिक पब्लिक स्टेबिलिटी और सो, आपके थॉट्स आपके थॉट्स की स्टेबिलिटी और सोशल चेंज को रिलेट करता है यानी कि अगर आपके कुछ अपने थॉट्स हैं और उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी हुई है तो उन थॉट्स के जरिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ एविल प्रैक्टिसेस हैं आप उनको हटा भी सकते हो खत्म भी कर सकते हो एलिमिनेट कर सकते हो तो इसलिए कहा गया है ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कहीं ना कहीं ये माइंड की स्टेबिलिटी और सोशल चेंज में एक बैलेंस क्रिएट करता है सो दीज आर ऑल द फोर पर्पजेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नाउ नाउ एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ये जो पर्टिकुलर फ्रीडम है आपका इससे इम्प्लिस है इसके अंदर एम्प्लिसिट है पीपल्स राइट टू नो तो पीपल्स राइट टू नो के दो अलग-अलग फेसेट्स हैं अब वो फेसेट्स क्या हैं नाउ वी शुड डिस्कस दैट तो सबसे पहला फेसेट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जिसने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिपील कर दिया इस एक्ट को हमें यहां डिस्कस करने की क्या जरूरत है अभी आपको पता चल जाएगा सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इस एक्ट के रिगार्डिंग जानने की जरूरत है वो ये कि एक्ट आपको एम्पावर करता है कि आप हर उस ऑर्गे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो या मांग सकते हो जो कि कंट्रोल किए जाते हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू यानी यू कैन हैव यू हैव ऑल द राइट्स टू आस्क अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दर्गेनाइजेशन हुर हु आर बीइंग कंट्रोल्ड आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज इसके अलावा ये जो ऑब्जेक्ट है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का कहीं ना कहीं उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे सिस्टम का हमारे स्टेट का गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए या एक तरीके के ओपननेस को प्रमोट करने के लिए ही ये पर्टिकुलर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है इसके अलावा वी हैव ऑल्स वी ऑल्सो हैव द राइट टू नो अबाउट द कैंडिडेट्स यानी अगर हम राइट टू वोट की बात कर रहे हैं मैं यहाँ पर दूसरे फैसेट पे आ गई हूँ जो कि है राइट टू वोट अब राइट टू वोट हमें यहाँ डिस्कस करने की क्या जरूरत पड़ी वो ये उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि राइट टू वोट के अंदर हर सिटीज़न को कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनके बारे में उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानने की पूरी राइट्स होते हैं सो दिस इज ऑल्सो वेल सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ कि राइट टू वोट के अंदर भी ये राइट पीपल्स राइट टू नो इम्पलसिड है और हमें ये पूरा राइट right है कि जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हुए हैं हमें उनका बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिले सो so, इसके अलावा इससे आप ये एनालाइज कर सकते हो या कह सकते हो कि जो आर एक्ट है कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंडन करता है फ्रीडम ऑफ Press so this is, oh, this is is or the 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 these are the facets, these are are the two facets which you need to know regarding the people's right to know know। regarding people's right फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कुछ अलग अलग डायमेंशन प्रोवाइड किए गए हैं अलग अलग जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके सामने मैं अभी प्रेजेंट कर रही हूँ एज इन फर्स्ट अमंग गट के पास गवर्नमेंट हैज नो राइट टू हैव मोनोपली ऑन एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से यहां पर मेरा मतलब है कि अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है ऑफ नेशनल इंटरेस्ट देन गवर्नमेंट कैन नॉट होल्ड मोनोपली टू टेलीकास्ट दैट पर्टिकुलर इवेंट सेकेंड इज कमर्शियल स्पीच या कमर्शियल बिल या कमर्शियल एडवर्टीजमेंट यानी कि जितने भी कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होते हैं वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर कवर होते हैं वो भी उसका पार्ट एंड पार्सल है किसी भी डेमोक्रेसी में अनटिल एंड अनलेस पीपल गेट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट दे कैन नॉट यूज इट एफिशियंटली दे कैन नॉट गो एंड मेक चॉइस अबाउट द प्रोडक्ट्स इसलिए कमर्शियल एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि किसी भी तरह का बंद बंद यानी क्लोजिंग uh, डाउन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का बंद डिक्लेयर uh, करती है तो definitely that is that will be illegal that will be unconstitutional because that will be being violative of your fundamental right kyunki kisi bhi political party ke dwara jab kisi bhi state किसी भी city को अगर एक हफ्ते दस दिन पंद्रह दिन पांच दिन के लिए बंद कर देते हैं तो वहाँ पर काम करने वाले जितने भी employees हैं या traders हैं for that matter या students हैं for that matter उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स इनफ्रिंज होते हैं इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक एम्बिट ये भी है कि किसी भी तरह का पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये डिक्लेयर नहीं कर सकती हैं कि हम आज से इस स्टेट को या इस सिटी को बंद कर रहे हैं या क्लोज डाउन कर रहे हैं दे so. तो के नॉट डू सो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आपके अगर सामने ये क्वेश्चन इम्पोज किया जाए क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये फ्रीडम इंक्लूडेड है कि वो किसी तरह का क्लोज डाउन डिक्लेयर कर सके तो योर आंसर शैल ऑलवेज बी नो लास्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रीडम तो टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रीडम से एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा कि ये फ्रीडम इंडिया की टेरिटरी के अंदर और इंडिया की टेरिटरी के बाहर भी ए, ए, प्रैक्टिस में लाया जा सकता है एज एन यू हैव ऑल द राइट टू गैदर इन्फॉर्मेशन टू डिस्कमेट योर इन्फॉर्मेशन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अगर किसी स्टेट एक्शन से आपका ये फ्रीडम डिप्राइव होता है आपका ये इंटरेस्ट डिप्राइव होता है देन यू कैन गो एंड गेट अ रेमेडी अंडर दिस पर्टिकुलर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिस इज ऑल फॉर द डे थैंक यू सो मच in the upcoming lecture we shall be talking about the freedom of press and all the other freedoms which have been which i have told uh, told you earlier in this class thank you so much for being with me see you soon